एवरीवन, मैं हूं ज्योति अदर गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। तो मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि दी हमारी स्किन डल है, उसके लिए कोई बताइए, स्किन को ब्राइटन करने के लिए कुछ बताइए, एक्ने पिंपल के मार्क्स है, पिगमेंटेशन है, उन्हें रिड्यूस करने के लिए कुछ बताइए। तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं ऑलरेडी, और मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। बट आज की वीडियो में आप सबके साथ दो ऐसे प्रोडक्ट शेयर करने वाली विच आई थिंक कि अगर रेगुलर बेसिस पे यूज़ करा जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं स्किन को ब्राइटन अप करने में, डल स्किन कंडीशन को रिड्यूस करने में, एक्ने पिंपल के मार्क्स, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में, इवन आउट स्किन टोन को इवन आउट करने के लिए, टैन को रिमूव करने के लिए, फर्दर पिगमेंटेशन को रोकने के लिए। और ये दो प्रोडक्ट्स को कह लीजिए मैं कपल ऑफ ईयर्स से रेगुलरली मेरे स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, और अगर ये वीडियो यूजफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उनके साथ ज़रूर शेयर करके जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है। और चैनल पर तो इसे ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है विटामिन सी सीरम। तो विटामिन सी इज अ ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। विटामिन सी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जिसकी वजह से फ्री रेडिकल डैमेज से फाइट करता है, जिसकी वजह से ये साइंस ऑफ एजिंग को डिले करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ में पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को, एक्ने पिंपल के मार्क्स को कम करने में हेल्प करता है, और स्किन टोन को इवन आउट करने में हेल्प करता है, ब्राइट बनाने में हेल्प करता है, ग्लोई बनाने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल विटामिन सी के बहुत सारे बेनिफिट्स। मैंने अभी रिसेंटली ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने विटामिन सी के बारे में मुझे जितनी भी जानकारी है सब की सब मैंने उस वीडियो में शेयर करी थी कि कैसे यूज करना है, डूज एंड डोंट्स, प्रिकॉशन, अपने लिए विटामिन सी सीरम को कैसे चूज करें, सब कुछ। तो अगर आप विटामिन सी सीरम के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानना चाहते तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप जरूर चेक करके, उसे मैंने रिसेंटली ही बनाया था। तो करेंटली जो विटामिन सी सीरम मैं यूज़ करी मैं उसको लेके ही बात करूंगी। तो मैं यूज़ कर रही हूँ द डर्माकोका ये 10% विटामिन सी सीरम, और अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि हाउ मच आई लव दिस विटामिन सी सीरम। मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये 10% ऑफ विटामिन सी है इसमें, तो अगर आप बिगिनर हैं या आपकी स्किन सेंसिटिव है तो भी आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। 10% इज आई थिंक एन एप्ट कॉन्सेंट्रेशन फॉर बिगिनर्स, और अगर आप एडवांस लेवल पर जाना चाहते हो तो दे हैव 20% ऑफ विटामिन सी सीरम जिसके लिए आप जा सकते हो, बट दिस वर्क्स ब्यूटीफुली टू। तो इसमें विटामिन सी सीरम का 10% यूज करा गया है, और विटामिन सी का जो फॉर्म यूज करा गया है वो है 3-O-ethyl-L-ascorbic acid। तो विटामिन सी सीरम के क्या बेनिफिट्स होते हैं वो तो मैंने आपको बताया ही बताया, साथ ही साथ में इसमें नायसिनामाइड का भी यूज करा गया है। और नायसिनामाइड भी अगर आपको नहीं पता है तो बताओ तो एक्ने पिंपल के मार्क्स को कम करने के लिए और एनलार्ज पोर्स को टाइटन करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है जो स्किन में हाइड्रेशन को बूस्ट करने का काम करता है। तो अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड रहती है तो भी ये विटामिन सी सीरम एक बहुत अच्छा पिक है। विटामिन सी सीरम को यूज़ कैसे करना है बता दूं तो आप इसको आपके मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में भी यूज़ कर सकते हो, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में भी यूज़ करते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ मेरे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में यूज़ करना, क्योंकि विटामिन सी सीरम सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, और अगर सनस्क्रीन के साथ यूज़ करा जाए ना तो बहुत ही अच्छा काम करता है। और जैसा मैंने बताया कि मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ तो बस मैं फेस को वॉश करती हूँ, इसकी 3 से 4 ड्रॉप्स मेरे फेस पर अप्लाई करती हूँ और पैट पैट करके अच्छे से स्किन में फैला लेती हूँ। एंड आई थिंक कि पैटिंग मोशन से ना सीरम ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब होते हैं स्किन में, और बस उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सनस्क्रीन। तो ये जो विटामिन सी सीरम इसने ओवर द इयर्स बहुत ही अच्छा मेरे लिए काम करा है, मेरी ऑयली एक्ने पिंपल प्रोन और सेंसिटिव स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है, मेरे एक्ने पिंपल के मार्क्स को फेड करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, मेरी स्किन को इवन आउट करने का भी बहुत अच्छा काम करता है। बट लेट मी टेल यू कि विटामिन सी सीरम को यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3-4 वीक्स। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता आप लगाओ फिर आप बोलो कि अरे यार स्किन तो बिल्कुल ही ब्राइटन अप नहीं लग रही है, कोई ग्लो ही नहीं आ रहा स्किन में, या फिर मार्क्स कम नहीं हो रहे तो ये सही नहीं है या काम नहीं कर रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू यूज इट कंसिस्टेंटली एटलीस्ट फॉर 3-4 वीक्स कुछ रिजल्ट्स देखने के लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि हम सबको पता है कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्टिल बहुत सारे लोग उसे स्किप कर देते हैं, वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन साइंस ऑफ एजिंग को डिले करने में तो हेल्प करता ही करता है, साथ ही साथ में पिगमेंटेशन को फर्दर बढ़ाने से हेल्प करता है, साथ ही साथ में सन बर्न, सन टैन से भी बचाने में हेल्प करता है, स्किन को इवन आउट करने में हेल्प करता है। हमें कई बार ऐसा लगता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बारिश हो रही है तो सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, या फिर ठंड का मौसम है तो सनस्क्रीन की जरूरत नहीं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई सा भी वेदर हो, आप घर के अंदर ही क्यों ना हो, सनस्क्रीन अप्लाई जरूर जरूर करना ही करना है।
तो मैं दो मेरे फेवरेट सनस्क्रीन आप सबके साथ शेयर करी हूँ और वो द डर्माको के ही सनस्क्रीन्स हैं। तो सबसे पहले है ये उनका 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन जेल एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फॉर्मुलेशन। इट इज़ अ केमिकल सनस्क्रीन, इसमें SPF 50 विथ PA 4 टाइम्स प्लस है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है। ऑल्सो कीप इन माइंड कि जब भी आपका सनस्क्रीन चूज करो हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन ही चूज करो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन क्या करेगा कि सन की जो UVA एंड UVB रेज होती है दोनों से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी स्किन को दोनों रेज से प्रोटेक्शन में। तो ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। और ये सनस्क्रीन में ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी है, मतलब कि जो लाइट हमारी स्क्रीन से निकलती है फोन से लैपटॉप से कंप्यूटर से टैब से वो भी हमारी स्किन को डैमेज करती है, तो उन ब्लू लाइट से भी ये सनस्क्रीन हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें 1% ऑफ हाइलुरोनिक एसिड का यूज करा गया है जो कि स्किन को हाइड्रेट करने का बहुत ही अच्छा काम करती है। और ये सनस्क्रीन जेल फॉर्म में है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल लाइट वेट है, स्किन पे कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है। आई जस्ट मेरा मॉइस्चराइजर अप्लाई करा और उसके बाद इसको मैं 2 फिंगर या 3 फिंगर रूल से मेरे स्किन पे अप्लाई कर लेती हूँ और ब्लेंड कर लेती हूँ। ब्लेंड करने में ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, एकदम कह लीजिए कि इट ब्लेंड्स लाइक वाटर। और स्किन पे अप्लाई करने के बाद ना ही कोई वाइट कास्ट, ना ही कोई ग्रीसीनेस, ना ही कोई ऑयलीनेस। और आई फील कि इसको कोई भी स्किन टाइप वाले किसी भी सीजन में आराम से यूज कर सकते हैं। इट इज़ अ ब्यूटिफुल फॉर्मुलेशन। सो ये एक केमिकल सनस्क्रीन है और सनस्क्रीन जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो तो उसके 15-20 मिनट्स पहले अप्लाई करना है। और केमिकल सनस्क्रीन को प्रिफरेबली आप एवरी 2 आवर्स रीअप्लाई करें अगर आप कॉन्स्टेंटली सन में हो तो। एंड दिस सनस्क्रीन इज फ्रेग्रेंस फ्री टू। अगर आपकी स्किन फ्रेग्रेंस इरिटेट होती है, आपको इन जनरल फ्रेग्रेंस नहीं पसंद है स्किन केयर में, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। नेक्स्ट सनस्क्रीन है ये द डर्माको की 1% हाइलुरोनिक एसिड टिंटेड सनस्क्रीन। तो ये एक फिजिकल सनस्क्रीन है और इसमें SPF 60 विथ PA 4 टाइम्स प्लस रेटिंग है। तो ये एक काफी हाई प्रोटेक्शन सनस्क्रीन है और फिजिकल सनस्क्रीन होने की वजह से अगर आपकी सुपर सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इसके लिए आराम से जा सकते हो। तो मुझे था कि मैं वीडियो में 2 तरीके की सनस्क्रीन फीचर करूं, केमिकल एंड फिजिकल, ताकि आपको ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि कई लोग केमिकल प्रेफर करते हैं, कई लोग फिजिकल सनस्क्रीन प्रेफर करते हैं। तो ये एक टिंटेड सनस्क्रीन है, तो इसमें जो टिंट है वो यूनिवर्सल है, मतलब कोई भी आपकी स्किन टोन हो आराम से ये आपकी स्किन टोन से मैच हो जाएगी। और इस टाइप की सनस्क्रीन ना मुझे कब अच्छी लगती है, जब मैं मेकअप नहीं करना चाहती और बाहर जाना चाहती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि मैं मेरी स्किन पर सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ, भाई लिप्स वगैरह पे तो लिपस्टिक एंड आईलाइनर आईज पे लगाया, बट फेस पे ऐसा कुछ इन पर्टिकुलर नहीं लगाती। तब जो टिंटेड सनस्क्रीन है ये बहुत अच्छा काम करती है, ये ना हल्की सी, बहुत ही हल्की सी कवरेज रहती है, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने मेकअप करा, बट स्टिल स्किन जो है वो बिल्कुल इवन आउट लगती है, डार्क सर्कल्स काफ़ी हद तक कवर हो जाते हैं और डार्क स्पॉट्स भी थोड़े थोड़े कवर हो जाते हैं, स्किन काफ़ी इवन आउट लगती है। और उसके ऊपर से लिपस्टिक वगैरह लगाना ना तो ऐसा लगता है कि आपने मेकअप करा, बट स्टिल आपकी स्किन स्किन लाइक लगती है। तो इस सनस्क्रीन में 26% ऑफ जिंक एंड 10% ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज करा गया है। और आप सोचोगे कि ये सब क्या है, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, क्या क्या चीज़ों का नाम ले रही हूँ। तो बेसिकली ये फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स मतलब वो इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे स्किन को सनरेज से प्रोटेक्ट करेंगे। तो किसी सनस्क्रीन का जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं उन्हें हम फिल्टर कहते हैं, तो इनमें इनका यूज करा गया। साथ ही साथ में इसमें 1% ऑफ हाइलुरोनिक एसिड का यूज करा गया है जो कि स्किन को हाइड्रेटेड तो रखेगा ही रखेगा। अगेन मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये सनस्क्रीन बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, स्किन पे बिल्कुल बहुत अच्छे से मतलब ब्लेंड हो जाता है और बहुत अच्छी सी हल्की हल्की सी कवरेज देता है स्किन को, एंड स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ फील होती है इसको अप्लाई करने के बाद, कोई भी ऑयलीनेस या ग्रीसीनेस नहीं आती है। तो दिस इज अ फिजिकल सनस्क्रीन, इसको आपको एवरी 3-4 आवर्स रीअप्लाई करना है जब भी आप कॉन्स्टेंटली अंडर द सन हो। तो ये 2 प्रोडक्ट्स विच आई फील कि ओवर द ईयर्स मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट सीरम्स मैं ट्राई करती रहती हूँ, बट विटामिन सी सीरम एंड सनस्क्रीन मेरे स्किन केयर रूटीन में दे आर लाइक माई कॉन्स्टेंट। तो आप जरूर इनको ट्राई करिए, सनस्क्रीन अगर नहीं अप्लाई करते हैं तो जरूर जरूर अप्लाई करिए, ट्रस्ट मी आपको आपकी स्किन में चेंजेस बहुत ही जल्दी दिखाई देंगे। फटाफट से मैं आपको इन प्रोडक्ट्स का प्राइस बता दूं, तो ये जो विटामिन सी सीरम है ये आता है 649 रुपीज का, ये जो टिंटेड सनस्क्रीन है ये आती है 699 रुपीज की, और ये जो सनस्क्रीन जेल है ये आती है 499 रुपीज की।
और आप यूज कर सकते हो मेरा कूपन कोड द डर्मा को की वेबसाइट पे, मेरा कूपन कोड यहाँ स्क्रीन पे आ चुका है। इस कूपन कोड को आप यूज करोगे तो आपको द डर्मा को के किसी भी प्रोडक्ट पे 20% का ऑफ मिल जाएगा। और इन प्रोडक्ट्स को आप द डर्मा को की वेबसाइट से तो खरीद ही सकते हो, साथ ही साथ में अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हो। तो मेरा कूपन कोड प्लस जो भी इनके परचेज लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिए हैं। बता दूं आपको कि द डर्मा को हैज टेकन यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव, मतलब जब भी हम उनकी वेबसाइट से कुछ बाय करेंगे तो हमारे ऑर्डर को वो लिंक करेंगे चाइल्ड से, जिसे वो हेल्प करेंगे एजुकेट करने में अलोंग विद भूमि, एंड दे हैव प्लेज टू एजुकेट 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर। सो या अगर आप आपके स्किन केयर रूटीन को बहुत ही सिंपल रखना चाहते हो, जाते हो कि 2-3 स्टेप्स में सारी चीजें हो जाएं, एंड स्टिल यू वांट कि आपकी स्किन ब्राइटन अप हो, इवन टोन हो, साथ ही साथ में एक्ने पिंपल के मार्क्स, पिगमेंटेशन में कमी आए, टैन कम हो या फर्दर टैन ना हो, तो आप ये दो प्रोडक्ट्स आपके स्किन केयर रूटीन में जरूर इनकॉर्पोरेट करिए, एंड प्लीज यूज देम रेगुलरली टू सी सम रिजल्ट्स। तो जो भी इनके लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड चीयर।